मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, और साफ तौर पर जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है, जो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स लगाए, उनसे साफ तौर पर टकराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। धक्का मुक्की हो रही है, जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सीधे तौर पर पुलिस सुरक्षा जो कर्मी है वो उनको धक्का दे रहे हैं, और लगातार दोनों के बीच में धक्का मुक्की का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एग्रेशन में साफ तौर पर दिख रही है। मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रही है, लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग पहुंचे हुए प्रदर्शन में देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है वो धक्का मुक्की कर रही है, क्या कहेंगे? ये पूरी तरह से तानाशाही का शिकार है, ये भाजपा का डर है। जिस तरह से बैक डोर से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, कोई चार्जशीट नहीं, कोई उनके ऊपर एविडेंस नहीं, घर पे छापे मारे, उनके गांव में छापे मारे, उनके ऑफिस में छापे मारे, 300 जगह छापे मारने के बावजूद भी जब इनको कोई एविडेंस मिला तो अब ये तानाशाही बदल चुकी है। लेकिन दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम उस मुकाम तक लड़ेंगे और पूरे देश में लेके जाएंगे इसको। आज हर घर घर में ये मैसेज जाएगा, ये जो तानाशाही है अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, घर घर के अंदर मैसेज आएगा। देखिए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की नहीं, प्रोटेस्ट हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो शिक्षा मंत्री दिल्ली के अंदर, जिन्होंने शिक्षा मॉडल को चेंज किया है, आज उन पर उनको जेल भेज दिया जाता है बिना किसी सबूत के, तो ये कौन सी मानवता है? ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है, ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी दिल्ली के अंदर। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से महिला पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर, जो महिला कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी की, उनको इस वक्त यहाँ से डिटेन करने की कोशिश कर रही है, यहाँ से हटाने की जो है वो कोशिश कर रही है। तो यही वजह है कि साफ तौर पर आपको धक्का मुक्की यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा सीधे एग्रेशन जो है वो यहाँ पर पुलिस और आम आदमी पार्टी के बीच जो कार्यकर्ता है उनके बीच टकराव सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। और यही देखिए किस तरह से महिलाएं जो है एक दूसरे, ये देखिए किस तरह से धक्का, बैरिकेडिंग तक आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस बैरिकेडिंग तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि ठीक इस बैरिकेडिंग के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट जो है वो है, और यही वजह है कि इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और यही पुलिस जो है वो जो रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ से इनको हटाने की जो लगातार कोशिश है वो कर रही है, और यही वजह है कि दोनों के बीच में आप धक्का मुक्की साफ तौर पर आप धक्का मुक्की देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है। सरिता, आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से मनीष सिसोदिया जी को फर्जी केस में अरेस्ट किया गया, आज हम सब लोग पूरी दिल्ली आज यहाँ पे आई है ये कहने कि शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। आज पूरी दिल्ली मनीष सिसोदिया जी के साथ खड़ी है। तो सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, इस तरह के जो नारे हैं वो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता समर्थक है वो है, लेकिन सीधे तौर पर धक्का मुक्की हो रही है। उस बैरिकेडिंग तक आम जो पुलिस है, जो फोर्सेस है, वो चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता है वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन जोरदार धक्का मुक्की दोनों के बीच में पुलिस कर्मचारी, पुलिस फोर्सेस और यहां पर जो कार्यकर्ता है समर्थक है उनके बीच में यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और इसी तरह की तस्वीरें जो है वो लगातार आज निकल के आ रही हैं। धक्का मुक्की जो है वो जारी, और कोशिश है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है कि बीजेपी दफ्तर का घेराव कर सके, लेकिन पुलिस ने यहीं पर इनके दफ्तर के बाहर ही इन्हें रोक के रखा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ अमित पांडे, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।